मदर इंडिया, वो फिल्म जो भारतीय समाज का एक दस्तावेज है, इससे डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत के देहात और गांव की एक औरत की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा का प्रमाण पत्र है ये। मदर इंडिया एक कैनवस है जिस पर ठेठ हिंदुस्तानी जीवन की चित्रकारी रची गई है, एक महाकाव्य है जो समय की सीमाओं से परे जा चुका है। मदर इंडिया एक ऐसी औरत राधा की कहानी है जो अपने पति के चले जाने के बाद अपने बच्चों की परवरिश करती है, हर मुसीबत का, दुख का, पीड़ा का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है और सच्चाई के लिए, सत्य के लिए अपने बेटे को गोली मारने से भी नहीं हिचकती। ये फिल्म एक औरत के त्याग, नैतिकता और आदर्शों की कहानी है जो अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। राधा का रोल हिंदुस्तानी औरत का, भारतीय नारी का प्रतीक बन गया और इस रोल को निभाकर नरगिस अमर हो गई। नरगिस को राधा की भूमिका के लिए कार्लो विवारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्त हुआ, साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म को कई भाषाओं में डब किया गया और ये फिल्म विदेशों में भी रिलीज की गई। मदर इंडिया बिकेम इंडियाज फर्स्ट सबमिशन फॉर द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। इस फिल्म का इतना क्रेज था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन में रिलीज के पहले एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया जहां देश के तत्कालीन बड़े बड़े नेताओं ने इस फिल्म को देखा और नतमस्तक हो गए भारतीय नारी के समक्ष, उसकी नैतिकता के सामने, उसके मूल्यों के सामने, उसकी शक्ति के सामने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।